नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम दो चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो आपका एफकैट 1 2022 जो है उसका रिजल्ट यहां पर आ चुका है। लास्ट मंथ इसका एग्जामिनेशन हुआ था 3 दिन में और फाइनली जो है आप ये कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर जो है हमेशा की तरह एफकैट एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और दूसरी चीज हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि अब रिजल्ट जब यहां पर आ चुका है तो अब हमें आगे यहां पर क्या करना है, तो उसकी एक स्ट्रेटेजी आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि आगे कौन कौन सी चीजें होंगी और उनको आपको किस तरीके से टैकल करना है। तो काफी यूजफुल यहां पर ये वीडियो होने वाला है। और जिन लोगों ने यहां पर इस एग्जामिनेशन को, रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत यहां पर बधाई देता हूं। आप में से जितने लोग इस सेशन को यहां पर देख रहे हैं और आप में से जितने लोगों ने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है या आप किसी वजह से एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में आप यहां पर बता सकते हैं कि इस बार के एफकेट एग्जामिनेशन में आपने कितना स्कोर किया है, सो दैट हमें यह पता चले कि वो कौन सा कैंडिडेट है जिसने यहां पर अभी तक सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर इस बार के एग्जामिनेशन में जो है वो स्कोर किया है। दूसरी बात, जो लोग यहां पर एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरीके का माइंडसेट, जिस तरीके की अप्रोच आपके एग्जामिनेशन में होनी चाहिए, है ना, या हो सकता है कि आप जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे आप उस प्रेशर को अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाए, या आपने नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा कर दी, तो ऐसे बहुत सारे कारण यहां पर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पेपर इस बार यहां पर क्वालिफाई नहीं हुआ है। कई सारे लोग हो सकते हैं जिनके कुछ आखिरी अटेम्प्ट यहां पर बचे हुए थे तो वो उस वजह से यहां पर एग्जामिनेशन को नहीं पास कर पाए। कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी यहां पर एफकैट की जो जर्नी है वो यहां पर स्टार्ट करी है। तो दोनों लोगों के लिए सजेशन यहां पर ये है कि आप लोग यहां पर देखिए कि आपसे यहां पर क्या मिस्टेक हो गई है ना, आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन यहां पर करी थी। क्योंकि इस बार अगर हम देखेंगे तो एफकेट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था वो भी थोड़ा सा यहां पर चेंज हो गया है ना। कई सारे आप देखेंगे करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन यहां पर आ गए थे, रीजनिंग का जो पैटर्न था वो भी यहां पर थोड़ा सा बदल गया था, है ना, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह के क्वेश्चन यहां पर आ गए। इस तरीके की चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में पहले तक नहीं आती थी। तो अब आप अगर यहां पर देखोगे तो एक एसएससी एग्जामिनेशन वाला जो पैटर्न है ना, जैसा एसएससी का पैटर्न होता है उसमें जिस तरीके की रीजनिंग मैथ्स वगैरह यहां पर आती है, उसी तरीके का पैटर्न अब एग्जैक्टली जो है वो एफकेट एग्जामिनेशन का जो इस बार यहां पर आया था उस तरीके से हमें आगे की प्रिपरेशन जो है वो यहां पर करनी है। ठीक है, तो दिल छोटा करने की बात नहीं है, सबके साथ सबके जीवन में किसी न किसी तरीके का फेलियर यहां पर आता है, कोई बात नहीं। अगली बार के लिए आप फिर से तैयार हुए कि एफकेट एग्जामिनेशन का सेकेंड जो पेपर होगा, मतलब कि एफकेट 2022, उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है। आप ये कह सकते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन तीनों महीने में से किसी एक महीने वो एग्जामिनेशन यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। तो आज से ही, क्योंकि आज समय सबसे अच्छा है ना, आज आप यहां पर क्या है कि बुरा फील कर रहे हैं लेकिन ये आपके लिए सबसे सही समय है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहां पर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया है कि अब यहां पर अगली चीज होगी कि एफकेट एग्जामिनेशन के बाद यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए बाकी कुछ लोगों को यहां पर जानना होगा कि सर इस बार एफकेट एग्जामिनेशन का कट ऑफ कितना गया, क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर कितने थे। तो दो पेपर होते हैं, सबके लिए दो पेपर नहीं होते हैं। ये जो इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है ये केवल किसके लिए होता है, इंजीनियर्स के लिए, है ना, जो लोग इंजीनियरिंग ब्रांच वाले होते हैं उनको यहां पर ये पेपर देने को मिलता है क्योंकि ये टेक्निकल ब्रांच का पेपर है ना। लेकिन इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एफकेट का कट ऑफ होता है वो सबको क्लियर करना होता है। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिसने ईकेटी का पेपर क्वालिफाई कर लिया लेकिन यहां पर उसके केवल 150 मार्क्स रह गए, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने भले यहां पर 30 स्कोर किया लेकिन आपका ये वाला पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ इसलिए आपने एफकेट क्लियर नहीं किया है। सो एफकेट का जो जनरल कट ऑफ है, जनरल कट ऑफ का मतलब यहां पर कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं आता है, सबका सेम रहता है। सो यहां पर जो एफकेट पेपर का कट ऑफ है वो है 300 में से 157, मतलब अगर आप देखेंगे तो करीब यहां पर 52.5% जो है वो करीब यहां पर जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, मतलब करीब आप ये कह सकते हैं कि 52.5 अप्रोक्सीमेटली अगर आप पेपर का स्कोर कर लेते हो, मतलब 150 करोगे तो 50%, तो थोड़ा सा ज्यादा अगर आपने स्कोर किया है तो आप एग्जामिनेशन को जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको हमेशा यहां पर बताता हूं, इस बार भी मैंने आपको बताया था कि 150 से 160 के बीच में यहां पर कट ऑफ रहेगा और वही यहां पर हुआ है, 157 आपको देखने को मिला है। मतलब आप ये समझिए कि अगर मैं 156 यहां पर बोलता हूं तो 156 का मतलब यहां पर ये हुआ कि आपको यहां पर अगर 156 नंबर लेकर आने तो आपको 100 में से 52 क्वेश्चन जो है वो करेक्टली यहां पर अटेम्प्ट करने। ठीक है, अब ये 52 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान होते हैं, आसानी से आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और 48 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर पाओ, है ना, और अगर थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग को आप यहां पर ध्यान दो तो आसानी से 157 नंबर यहां पर आ सकते थे। और ईकेटी का कट ऑफ जो है वो हमेशा की तरह बहुत कम आपको देखने को मिलेगा,
तो जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, है ना, जिनको लगता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हम यहां पर हैं और हम यहां पर किस तरीके से काम करेंगे, तो आपके लिए एफकेट एग्जामिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप ईकेटी में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, तो आपके मेरिट इन होने के चांसेस एकदम बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए कि लगभग 95% प्लस हो जाते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि या तो लोगों का ईकेटी नहीं निकलता है, या तो फिर क्या होता है कि उनका जो स्कोर रहता है वो यहां पर अच्छा तो रहता है लेकिन वो एसएसबी में रिकमेंड नहीं होते हैं। तो बहुत कम कैंडिडेट आप देखने को मिलेंगे जिनका ईकेटी यहां पर क्लियर हुआ और वो रिकमेंड भी हुए हैं, मेडिकली फिट भी हुए हैं। तो काफी सारी पॉसिबिलिटी होती है, तो आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगला एग्जामिनेशन भी आने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल यहां पर रहेगा कि आप ईकेटी को अच्छे से प्रिपेयर करो और इस पे फर्स्ट ईयर का जो यहां पर पूरा सिलेबस है वो आपको अच्छे से करना है। क्योंकि मार्केट में कोई स्पेसिफिक यहां पर बुक्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी, फर्स्ट ईयर की बुक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से करते रहोगे अभी से प्रिपेयर, तो आगे की जो जर्नी है वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। ठीक है, सो हमेशा की तरह कट ऑफ जो है वो 150 में ही आपको देखने को मिलेगा और ईकेटी का कट ऑफ तो केवल 18 नंबर गया है 150 मार्क्स में से। ठीक है, चलिए, तो अब अगला स्टेप जो यहां पर होगा वो होगा आपका एसएसबी प्रिपरेशन। लेकिन उससे पहले ना, जहां पर देखिए आप सभी लोगों ने एफकेट सीडेक वाली जो वेबसाइट है उसको ओपन किया होगा, है ना, एफकेट सीडेक की जब आपने वेबसाइट ओपन करी, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह यहां पर डाला, उसके बाद यहां पर क्या है कि आपने अपना स्कोर देखा। स्कोर देखने के बाद ना वहां पर आपको डेट सिलेक्शन भी यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। डेट सिलेक्शन का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपको अपना एएफएसबी, आपको इंटरव्यू देना रहेगा। तो डेट सिलेक्शन के लिए आपको वेन्यू और डेट यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एएफएसबी होता है, इंटरव्यू होता है, वो कहां कहां पर होता है, वो देहरादून में आपको देखने को मिलेगा, वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैसूर में देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद गुवाहाटी में, अभी यहां पर लेटेस्ट में जो है वो एक नया सेंटर खोला गया है, गुवाहाटी यहां पर हो गया, और उसके बाद गांधीनगर। तो ये सारे सेंटर्स होते हैं जहां पर अलग अलग तरीके की डेट्स होती हैं, फीमेल का अलग बैच बनेगा, मेल का अलग बैच बनेगा। तो जो भी सीट्स आपको यहां पर लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम रहता है ना, मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम तक अप्रैल वगैरह तक की डेट यहां पर मिल जाएंगी, तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो चेंज जो है वो डेट आप यहां पर जो है वो सिलेक्ट कर लेना। और प्लीज ये मेक श्योर करिएगा कि आप ऐसी डेट सिलेक्ट करें ताकि इन फ्यूचर आपको डेट वगैरह चेंज करवाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि कभी कभी वो चीजें जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि आप उन चीजों को यहां पर चेंज करवा पाए। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है ताकि आप आसानी से जो है वो अपने वेन्यू जो है वो यहां पर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको ना वहां पर एक बैंक डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी, ठीक है। बैंक की डिटेल्स क्यों डालनी पड़ती है, बैंक की डिटेल्स इसलिए डालनी पड़ती है क्योंकि जो लोग एसएसबी में पहली बार जा रहे हैं उनको ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह मिलता है ना, मतलब आपका किराया आने जाने का जो थर्ड टीयर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा आपको वापस, तो वो आपके अकाउंट में ही डायरेक्टली आएगा, तो उसको आप यहां पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका कॉल लेटर जो है वो यहां पर जनरेट हो जाएगा, तो फिर उस पर्टिकुलर डेट में आपको रिपोर्ट करना रहेगा। आपके कॉल लेटर में सब चीजें लिखी रहेंगी कि कब क्या होगा, कितने दिन का एसएसबी होगा, क्या क्या सामान लेकर जाने, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने। फिर भी अगर किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में लगता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में यहां पर मेंशन कर सकते हैं, मैं पर्सनली सबके क्वेश्चन का यहां पर आंसर कर दूंगा, जो भी रीजनेबल क्वेश्चन यहां पर लगेंगे। तो अब यहां पर क्या है कि अब मेन चीज यहां पर स्टार्ट होगी जो कि एसएसबी इंटरव्यू है ना, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और इसमें से ही कुछ कैंडिडेट होंगे जो आपके एसएसबी को फाइनली यहां पर क्लियर करेंगे। उनमें से कुछ लोग होंगे जो मेडिकल में आउट होते हुए दिखाई देंगे, कुछ लोग मेरिट में आउट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करना जरूरी है क्योंकि बिना एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किए आप यहां पर फौज में ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। सो मैं हमेशा की तरह यहां पर एसएसबी इंटरव्यू का 2022 का जो हमारा सेकेंड बैच है वो यहां पर लॉन्च कर रहा हूं। एसएसबी इंटरव्यू की जो क्लासेस होंगी वो 15 मार्च से यहां पर कंडक्ट होंगी, ठीक है, 15 मार्च से जो है ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और यहां पर इस बार और अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि इसमें लिमिटेड सीट्स आपको देखने को मिलेंगी ताकि जो भी कैंडिडेट इस पर्टिकुलर कोर्स से यहां पर जुड़े उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं ताकि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए देखने को मिले। अब इस पर्टिकुलर कोर्स की डिटेल आप यहां पर सुन लीजिए कि इसमें यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहली बात, ये जो पर्टिकुलर कोर्स यहां पर होगा ये 15 मार्च से स्टार्ट होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 15 मार्च से जो है ये पर्टिकुलर सेशन यहां पर स्टार्ट होने वाला है। यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस नहीं होंगी, इसकी जो क्लासेस होती है वो डिफेंस मास्टर ऐप पर देखने को मिलेगी। आप यहां पर प्ले स्टोर पर जाइएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पर मैंने यहां पर ये डिफेंस मास्टर का जो फोटो है वो यहां पर लगाया हुआ है, आप इस वाले ऐप को यहां पर जो है वो डाउनलोड कर लेना और फिर आपको ये मिल जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा iOS है ना, तो उसके लिए है क्या ऐप अवेलेबल, तो उसके लिए ऐप यहां पर अवेलेबल नहीं है। अभी लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो भी यहां पर iOS वाले हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर वो लोग यहां पर इस पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो हम लोग आपको क्या करेंगे कि वेब पर जो क्लासेस है ना वो प्रोवाइड कर देंगे, मतलब अगर आपके पास लैपटॉप है ना ये सब चीजें हैं तो आप उस पर क्लासेस देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज
आप यहां पर क्या कर सकते हो कि मोबाइल फोन के वेब ब्राउजर पर भी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एंड्रॉइड वाले हैं उनको भी मैं वेब ब्राउजर की लिंक वगैरह यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब उसके बाद इसमें जो सेशंस होंगे वो लाइव क्लास होंगी, मतलब वन टू वन इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, सब लोग यहां पर लाइव सेशन करेंगे। आप चैट के माध्यम से मुझसे अपने डाउट्स वगैरह भी यहां पर पूछ सकते हैं। किसी वजह से अगर आप यहां पर सेशन नहीं देख पाते हो लाइव, है ना, कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे जाना पड़ गया और इस वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हो, तो रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब कुछ देर के बाद, लाइव क्लास कंडक्ट होने के कुछ घंटों के बाद रिकॉर्डेड सेशन जो है वो यहां पर अवेलेबल हो जाता है। मंडे से लेकर संडे तक यहां पर क्लासेस होंगी, है ना, मतलब इसमें हर दिन हम क्लास करेंगे, क्योंकि एसएसबी में क्या होता है कि एक भी दिन के ब्रेक होने से कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में डेवलप होती हैं, उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं मंडे से संडे हर दिन जो है वो क्लास यहां पर आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 7 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा, मतलब 7 PM से 8:30 PM रहेगा। इसका कारण ये है कि कुछ लोग ऑफिस वगैरह भी यहां पर जाते हैं, तो वो लोग ऑफिस वगैरह से वापस आकर इन सेशंस को यहां पर देख सकते हैं। टोटल आपको 30 सेशंस जो है वो यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। 30 सेशंस में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें होंगी। 30 सेशंस में अगर आप देखोगे तो आपको ना काफी सारी क्लासेस मिलेंगी। जैसे मैं कुछ पार्ट्स यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्शन का मतलब यहां पर यह हुआ कि भाई एसएसबी है क्या, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजी में टेस्ट होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट में ओआईआर टेस्ट वगैरह सब चीजें मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो एसएसबी में होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद यहां पर जो आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसकी क्लासेस आपको यहां पर मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट वगैरह यहां पर कैसे देना है उसकी क्लासेस मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की क्लासेस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब सब चीजें यहां पर क्लियर होंगी। कॉन्फ्रेंस वगैरह मैं अपने एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। आई हैव 27 एसएसबी एक्सपीरियंस, ठीक है, 27 एसएसबी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, और मेरे 27 स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक एसएसबी में यहां पर सिलेक्ट हो चुके हैं, और मेरे एक भी स्टूडेंट जो है वो अभी तक यहां पर मेरिट आउट नहीं हुए, ठीक है, मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन भी होता है, और अगर वो मेडिकली फिट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एकेडमी भी यहां पर ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो 27 एसएसबी और 27 स्टूडेंट्स जो है वो मेरे यहां पर एसएसबी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि इसमें हर एक चीज क्लियर होगी। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि सर ग्राउंड वाली जो चीजें हैं वो आप कैसे कवर कराओगे। ऑनलाइन तो ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड वाली चीजों के लिए ना आपको अप्रोच की आवश्यकता होती है, है ना, मतलब इसमें ग्राउंड में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज नॉर्मल एंट्री और ऑफिसर की एंट्री में यहीं पर डिफरेंस होता है कि वो आपका दिमाग यहां पर चेक करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कैंडिडेट ग्राउंड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव रहता है, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग यहां पर क्या है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने ग्रुप में बिहेव करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन यहां पर हो जाता है। इसका कारण यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अप्रोच इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर ग्राउंड पे कैसा परफॉर्म करते हो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ वहां पर आपका पूरा का पूरा कंडक्ट कैसे होगा ये सब चीजें यहां पर देखी जाती हैं, ठीक है। तो ग्राउंड की क्लासेस में आपको मैं आइडियाज वगैरह होंगे, वीडियोस वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, कई सारी पिक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उससे आपका पूरा का पूरा काम यहां पर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट यहां पर सिलेक्ट हुए हैं सबने इसी तरीके की क्लासेस जो है वो अभी तक देखी है। बाकी आपको जितने भी सेशंस यहां पर होंगे उनके सबके पीडीएफ आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो भी यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारी चीजें यहां पर आपको अवेलेबल कराई गई हैं, और इतना अगर आप यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। सबका सब कंटेंट, चाहे वो आपकी स्टोरी राइटिंग का हो, पर्सनल इंटरव्यू का हो, है ना, जीटीओ का लिए हो, ग्रुप डिस्कशन के लिए हो, लेक्चरेट के लिए, जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उतना अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका अच्छा प्रिपरेशन जो है वो एसएसबी के लिए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि आपको 3 कोर्सेस के मैं बेनिफिट दूंगा। देखो क्या होता है कि मेरा हर एक एसएसबी वाला जो कोर्स है ना वो आप कह सकते हैं कि वो डिफरेंट होता है पिछले वाले से। तो लेकिन क्या होता है कि मैं जो भी यहां पर डेटा आपके साथ डिस्कस करता हूं ना वो डिफरेंट डिफरेंट करता हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे स्टोरी राइटिंग के बारे में बात करनी है तो मैं पिछली वाली क्लासेस में अलग पिक्चर यूज करता हूं, अगले कोर्स में अलग पिक्चर्स यूज करता हूं, अगले कोर्स में अलग पिक्चर्स यूज करता हूं। आपको जो लाइव क्लास में डिस्कशन मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ यहां पर सफिशियंट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि सर अगर हमें थोड़ा और अलग अलग पिक्चर्स के ऊपर डिस्कशन यहां पर मिल जाता तो हम उसको यहां पर अच्छी तरीके से देख लेते, अच्छी तरीके से समझ जाते, थोड़ा और पिक्चर्स हमको यहां पर समझ में आ जाती। इस वजह से मैं आपको टोटल 3 कोर्सेस का बेनिफिट इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। 3 कोर्स कैसे हुए, एक तो आपको लाइव सेशन यहां पर देखने को मिलेगा और दूसरा 2 रिकॉर्डेड सेशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इससे पहले वाला कोर्स था हमारा एसएसबी इंटरव्यू का 3 जनवरी 2022 का कोर्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल क्लासेस आपको मिलेंगी 31,
तो इसमें पुराने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एक तो आपके पास ये पूरा एक्सेस रहेगा, जितने दिन की वैलिडिटी आपके कोर्स की रहेगी ना उतने दिन की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स भी अवेलेबल रहेगा। और एक अगर आप देखोगे तो ये 1 अक्टूबर 2021 का यहां पर कोर्स है, ये भी आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 32 क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके की चीजें हैं, आपको कैसे देखना है वीडियो, किस तरीके से देखना है, वो सब चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन इन दोनों कोर्स के अलावा जो आपका 15 मार्च से यहां पर कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। वैलिडिटी जो रहेगी वो 3 महीने रहेगी कोर्स की। अच्छा, अब इसमें यहां पर क्या है कि जिस भी दिन आप यहां पर कोर्स खरीदोगे है ना उस दिन से 3 महीने। अगर मान लीजिए कि आपने कोर्स जो है वो 15 मार्च को यहां पर खरीदा, ठीक है, 15 मार्च मतलब ये इस दिन को आपने कोर्स यहां पर खरीदा, तो फिर अप्रैल मई जून मतलब आपकी जो वैलिडिटी यहां पर रहेगी वो कब तक रहेगी, वो 15 जून तक यहां पर रहेगी। अगर आपने 16 तारीख को खरीदा तो 16 से 16 हो गया, ठीक है, 17 से 17 हो गया, मतलब इस तरीके से जिस दिन आप कोर्स खरीदोगे उसके हिसाब से इसकी वैलिडिटी जो है वो डिसाइड होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर क्या किया कि आपने 9 मार्च को कोर्स खरीदा, ठीक है, सो 9 मार्च को अगर सर मैं कोर्स खरीदूंगा तो क्या मेरी वैलिडिटी जो है वो 9 जून तक रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 15 जून तक ही रहेगी। मतलब अगर आप आज कोर्स खरीदते हो तो भी आपकी जो वैलिडिटी होगी वो 15 मार्च से ही यहां पर स्टार्ट होगी, 15 जून से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, 10 से करोगे तो भी 15, 11 से करोगे तो भी 15। तो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आज रिजल्ट आया है, आज आपके अंदर जो है एकदम जोश भरा हुआ है, ठीक है। और उससे यहां पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि आज से ही प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात और है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ना ये केवल एफकेट एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, बिकॉज एफकेट के लिए ही एसएसबी नहीं होती है, सभी एंट्रीज के लिए, चाहे वो एनडीए हो, 10+2 टीएस हो, नेवी टेक हो, एफकेट हो, सीडीएस हो, आईनेट हो, एसएससी टेक हो, टीजीसी हो, एनसीसी स्पेशल एंट्री, टेरिटोरियल आर्मी, जितने भी कोर्स आपको देखने को मिलेंगे सब में यहां पर क्या होता है कि एसएसबी सेम होती है, तो सबके स्टूडेंट्स को यहां पर बेनिफिट होने वाला है। इस बार मैंने एक नई चीज यहां पर ये स्टार्ट करी है कि मैं आप लोगों को जो है वो डेली ग्रुप एक्टिविटीज दूंगा। ग्रुप एक्टिविटीज मतलब कुछ चीजें जो है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ये पॉजिटिवली हम यहां पर करने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी एसएसबी को लेकर, उसके वेरियस टेस्ट को लेकर, वो यहां पर आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद जो न्यूज़पेपर वगैरह में चीजें यहां पर आती रहती हैं, ठीक है, उनके पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उसका खुद का कंटेंट जो मैं यहां पर बनाकर दूंगा उसको आप प्रिपेयर कर लोगे तो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका यहां पर कवर हो जाएगा। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका एक्सेस मिलेगा, सभी स्टूडेंट जो है वो एक साथ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके साथ भी डिस्कशन आप यहां पर कर सकते हैं। अच्छा, अभी डेमो वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जो लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को यहां पर सुन रहे हैं है ना, या वो चाहते हैं कि सर हम थोड़ा सा डेमो वीडियो वगैरह यहां पर देख लें, तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि कुछ डेमो वीडियोस जो है वो यहां पर प्रोवाइड करूंगा। अभी ये डेमो वीडियोस आप कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि यहां पर इस पर्टिकुलर कोर्स का जो प्राइस है ना वो 3500 है, ठीक है, 3500 आपको प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर ये याद रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स का प्राइस है ये 2700 आपको देखने को मिलेगा, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कोर्स का जो प्राइस है वो कभी भी खत्म हो सकता है। सो आप 3500 का कोर्स 2700 में ले सकते हो, 3 महीने की वैलिडिटी है। किसी भी तरीके की अगर आपको डिटेल यहां पर चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यही नंबर मेरा कॉन्टेक्ट वाला भी है, तो आप यहां पर जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या मैसेज करके जो है वो आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको यहां पर रिजॉल्व कर सकते हो। बाकी इस तरीके का एक बैच बनेगा, ठीक है, जब ऐप आप डाउनलोड करोगे ना तो वहां पर आपको इस तरीके से एक बैच देखने को मिलेगा, एसएसबी इंटरव्यू 15 मार्च, और क्लास वगैरह कैसे अटेंड करनी है तो ये तो क्या है कि ये मेरे साइट का है, गो लाइव नाउ, यहां पर आएगा कि ज्वाइन नाउ, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, मतलब आप जब बैच ओपन करोगे तो यहां पर ओवरव्यू सेक्शन आपको देखने को मिलेगा और यहां पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा तो ज्वाइन नाउ कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप पुराना कोई पुराना वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहते हैं, तो जहां पर ये ओवरव्यू अटेंडेंस स्टूडेंट वगैरह लिखा हुआ है ना इसको लेफ्ट साइड में स्लाइड करिएगा, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में जब आप स्लाइड करोगे तो यहां पर ये लाइव क्लासेस का ऑप्शन आएगा, तो जो भी पुरानी क्लासेस हैं लाइव क्लासेस उनके वीडियोस यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको और यहां पर बता देना चाहता हूं कि यहां पर जितनी भी आपको डेमो वीडियोस देखने हैं, ठीक है, तो मैंने ना लिंक पे, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एसएसबी का एक यहां पर लिंक आपको अवेलेबल है, ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स का लिंक अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है ऐप भी डाउनलोड कर लेना सबसे पहले, है ना, फिर उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर डायरेक्टली ऐप पर पहुंच जाओगे। ऐप पर पहुंचने के बाद उस पर्टिकुलर जो भी यहां पर वीडियो है ना, जो भी कोर्स है उसका कंटेंट सेक्शन आप यहां पर ओपन करिएगा। सो कंटेंट सेक्शन में मैं आपको बता देता हूं,
मैंने एक जनरल क्लास, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंट्रो क्लास होती है उसका एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, एक पर्सनल इंटरव्यू का वीडियो प्रोवाइड किया है, एक साइकोलॉजी का इंटरव्यू वाला जो वीडियो है वो यहां पर प्रोवाइड किया है, और एक कॉन्फ्रेंस और फाइनल वर्ड्स। ठीक है, तो चार आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो इन वीडियोस को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि भाई डिसाइड हो जाता है ना कि ये कोर्स आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने आपको डेमो वीडियोस जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं, बाकी आप उनको देख सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी अगर यहां पर प्रॉब्लम होती है, डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, या मैंने अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप यहां पर क्या करिएगा कि आप जो है इस नंबर के थ्रू यहां पर कर सकते हैं, ठीक है, बातचीत। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऐप पर यहां पर इस कोर्स को परचेज करोगे, ठीक है, मैं और एडिशनल चीजें आपको बता देता हूं। तो उसमें क्या होता है कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, ठीक है, वो यहां पर लगता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस जो है वो यहां पर बढ़ जाता है, ठीक है, वही बेसिकली यहां पर क्या होता है कि प्राइस वगैरह जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, सेम नंबर पर जो है वो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो उससे यहां पर प्राइस जो रहेगा वो 2700 ही आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना, तो अब यहां पर क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, सेम नंबर, तो मैं उसे कंफर्म करके फिर आपको बैच वगैरह में ऐड कर दूंगा। बाकी जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो आपको गूगल ड्राइव के तहत यहां पर मिलेंगे, ठीक है, मैं आपको गूगल ड्राइव जो है वो यहां पर शेयर करूंगा और उसमें सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो उनके तहत आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 15 मार्च से यहां पर ये लाइव सेशन होगा, ठीक है, पॉजिटिवली हम यहां पर सेशन को स्टार्ट करेंगे एक नए नोट के साथ, और कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी अपना अपकमिंग SSB इंटरव्यू है उसको हम यहां पर क्लियर करें। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जिसमें मैंने आपके साथ आपके FCAT रिजल्ट के बारे में और SSB इंटरव्यू बैच के बारे में डिस्कशन किया। कोई भी क्वेरी अगर होती है अपकमिंग SSB के बारे में या अगले SSB बैच के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर सकते हैं या मेरे नंबर पर दिए हुए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगले सेशन में मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।